एवरीबॉडी, मैं त्रिशा सक्रियास, माइकल्स मैजिक किचन में सबका स्वागत। आज हम बनाएगा पुट्टू। आइए देख लेते हैं पुट्टू कैसे बनता है। बनाने के लिए मैंने लिया है पुट्टू फ्लोर। ये बनाया हुआ है तमिलनाडु में डिंडिगल में। नॉर्थ इंडिया में ये मैंने कहीं नहीं देखा, इसलिए मेरा ब्रदर इन लॉ नैजील और फ्रेंड सुलोजना तमिलनाडु से मेरे को बेचता है। मैंने 2/3 कप पुट्टू फ्लोर लिएगा। टू थर्ड कप ले लिया। अभी मैं 1/4 टीस्पून नमक इसमें डाल रहे। अभी मैंने इक्वल अमाउंट 2/3 कप पानी भी लिया है। ये मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स करूंगी। अभी मैं 2 to 3 मिनट्स इसको रस करेगा। 2 मिनट हो गया। थोड़ा और पानी डाल के इसको स्प्रिंकल करता है। अच्छा से मिक्स करना। फिर 1-2 मिनट 2 to 3 मिनट्स रचिंग के लिए रखना। अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर इसमें लिखा है, अलग तरीका है इसमें ये पुट्टू बनाने का। पुट्टू फ्लोर लेना और इक्वल अमाउंट ऑफ बॉइल्ड वाटर लेना और 5 मिनट्स रेस्ट करना। उसके बाद मिक्स करके निकालना। आप नारियल डाल सकता है, जागरी डाल सकता है और इलायची पाउडर वाला डाल सकता है और उसके बाद उसको तुरंत खा सकता है। इसका अलावा और एक तरीका लिखा है, मस्टर्ड, उड़द दाल, ग्रीन चिल्ली, ओनियन, कैरेट, टोमेटो वाला सीजन करके इसके अंदर डाल के भी खा सकता है। मैं दोनों तरीका से बना के देगा, लेकिन मेरे को बेस्ट मेथड लगा दूसरा, नॉर्मल राइस पाउडर से जो पुट्टू बनाता है उसी तरीका से मैंने बनाया और मेरे को वो सबसे अच्छा लगा। और 3 मिनट्स हो गया। इसको क्वांटिटी आप देख सकता है, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा ये बढ़ गया। अभी 3 बार मैंने मिक्स किया। अभी इसमें मैंने थोड़ा नारियल डालूंगी। पानी में ऑलरेडी उबालने के लिए रखा हुआ है। मेरा पानी ऑलरेडी उबल रहे है। पुट्टू का मोल्ड में ले लिया। इसके अंदर ये डालना भूलना नहीं। नीचे थोड़ा सा नारियल डाल दूंगी। उसके बाद आधा तक मैंने एक पुट्टू का डाउ इसमें भर दूंगी। आधा होने के बाद थोड़ा और नारियल डाल दूंगी। उसके ऊपर अगेन पुट्टू फ्लोर डालेगा।
टू थर्ड कप मतलब करेक्ट तिल्ली आ गया। इसके ऊपर थोड़ा सा और नारियल डाला, बंद कर लिया। पकने के लिए रख दिया। स्टीम आने के बाद हमको 10 मिनट और इसको पकाना है, सो स्टीम आने के लिए हम वेट करेगा। स्टीम आ गया, अभी हम 10 मिनट के बाद फिर मिलेगा। 10 मिनट में ये पक जाता है। 10 मिनट्स हो गया, यह सॉफ्ट किया। अभी 5 मिनट ठंडा होने दो, उसके बाद फिर हम मिलेगा। 5 मिनट हो गया, इसमें मैं पानी डाला था इसका आधा तक, अभी भी इतना पानी बाकी है। एक लंबा से स्पून लेना, नहीं तो ऐसे वुडन स्पून देना। उसके बाद ढक्कन निकालना, हल्का से गर्म है, मैं कपड़ा के साथ पकड़ूंगी। ऐसा पकड़ के इसका पीछे से स्लोली पुश करना। ये निकाल के साफ करना है। ये पुट्टू हमारा दो दिन खा सकता है। ये दो पीस में आएगा। जहां हम कोकोनट डाला, आधा ये फ्लोर भरने के बाद हम कोकोनट डाला था, उस जगह से ये आधा पुट्टू बन गया। ये आधा पुट्टू दो दिन को खाने के लिए ये बहुत है। ये पुट्टू का कॉम्बिनेशन में सबसे बेस्ट है ब्लैक चना, लेकिन आज मैं ब्लैक चना नहीं बनाया। ये पुट्टू केला और चीनी के साथ, नहीं तो सिर्फ चीनी के साथ और केला चीनी दोनों मिक्स करके भी खा सकता है। नॉर्मल राइस पाउडर से पुट्टू बनाने से इतना सॉफ्ट नहीं आएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। और एक वीडियो के साथ मैं फिर आ जाऊंगी, तब तक के लिए अलविदा।